हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जूता कांड पर बोले सिद्धू, मोदी राज में लोकतंत्र पहले ही डंडा तंत्र था, अब जूता तंत्र बन गया है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद राकेश त्रिपाठी ने अपने पार्टी के विधायक पर जूते से हमला कर दिया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों ने पहले अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसे शर्मनाक बताया तो किसी ने सांसद की टिकट काटने तक की बात कही। वहीं सांसद के हमले का शिकार हुए विधायक तो धरने पर बैठे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि सीएम योगी ने मामले पर एक्शन लेने की बात जरूर कही। योगी ने कहा, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और यहां इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मगर विपक्षी नेता कहां इस मामले पर शांत बैठने वाले हैं, वो भी तब जब सामने नवजोत सिंह सिद्धू हों। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो राकेश त्रिपाठी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने लिखा, मोदी जी की विनम्रता और विवेक की परिभाषा, क्या यह है देश की आशा। लोकतंत्र पहले ही टोल तंत्र, डंडा तंत्र और भय तंत्र बन चुका, सांसद महोदय ने अब जूता तंत्र बना दिया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी सांसद और विधायक फाउंडेशन स्टोर पर नाम लिखवाने को लेकर आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह को जूतों से पीटा था। हैरान करने वाली बात ये भी थी कि मारपीट कलेक्ट्रेट में हुए जिला कार्ययोजना समिति की बैठक के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं के बीच हो रही मारपीट को रोकने के लिए मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुके। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।